सबसे पहले दोस्तों आपको जो करना है बूटेबल पेन ड्राइव के लिए, आपका एक्चुअली होता है क्या है, जब भी आप मतलब लाइक आपका डीवीडी राइडर ख़राब हो गया हो और आपके में यह इंस्टॉलेशन नहीं है डीवीडी राइडर, तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो दोस्तों वो पेन ड्राइव कैसे बनाएं मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले जो आपकी फाइल हो, तो आप उस फाइल को मतलब विंडोज़ की फाइल हो या किसी भी सॉफ्टवेयर की फाइल हो, तो आपको करना क्या होता है, उस फाइल को कॉपी करके किसी भी पार्टीशन में रख लीजिए, चाहे वो आपका जियो या एफ हो, समथिंग जो भी है आपके। जैसे कि लाइक मैंने एक सॉफ्टवेयर फाइल को यहाँ पर इस तरीके से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लिया है, मगर ये इससे मुझे बूट बनाना है और इसकी जगह लाइक विंडोज़ होती तो वो भी बूट बन जाती। तो वो बूट कैसे बनती है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो विंडो आर करके आपको कमांड देना होता है दोस्तों, कमांड देने के बाद आपको टाइप करना होता है CMD। जब आप CMD टाइप करेंगे, CMD टाइप करने के बाद आपके पास ये कमांड ऑप्शन ओपन हो जाता है आपके सामने। फिर यहाँ आपको आपको डिस्क पार्ट टाइप करना होता है इसके लिए, रनिंग करने के लिए यस कर देना है आपको। ये देखिए दोस्तों, ये अभी प्रोसेस हो रहा है आपका, ये जैसे आपका डिस्क पार्ट का ये रनिंग मतलब एक कमांड ओपन हो चुका है, ये मतलब एक डिस्क पार्ट का प्रोसेस है पूरी तरीके से आपको कंप्लीट करना है। तो ये ओपन हो चुका है, देखिए आपके सामने डिस्क पार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्क पार्ट के बाद आपको टाइप करना होता है लिस्ट, एंड लिस्ट आपको यहाँ पर लिखना डिस्क, ये देखिए। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, आपको पेन ड्राइव जो बूट बनाना है वो आपके लैपटॉप या पीसी में कनेक्टेड होनी चाहिए, वरना आपकी बूट नहीं बन पाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका पेन ड्राइव आपके लैपटॉप या आपके डेस्कटॉप से कनेक्टेड हो, तभी यहाँ पर ये आपका डिस्क पार्ट शो होने लगता है। देखो दोस्तों ये आपका डिस्क पार्ट 1 8 GB जो रैम है ये शो होने लगा है। तो आपको आगे जो कमांड देना है दोस्तों वो देना है आपको डिस्क पार्ट, और आप देंगे लिस्ट डिस्क, और आपको देना है सिलेक्ट डिस्क 1। आपको डिस्क जो सिलेक्ट करना है वो 1 पेन ड्राइव का ऑप्शन सिलेक्ट करना है यहाँ पर, तो ये कमांड देना है। तो यहाँ ऑप्शन आ जाता है डिस्क 1 इज नाउ द सिलेक्टेड डिस्क। उसके बाद आपको जो देना है वो क्रिएट एंड पार्टीशन करना है आपको, क्लीन करना है, सॉरी आपको क्लीन करना है इसको। क्लीन होने के बाद आपको दोस्तों अगला कमांड क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी देना है आपको इसका। ये दोस्तों आपका हो गया क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, और इसके बाद आप जब करेंगे तो सिलेक्ट पार्टीशन 1 करना है आपको। इसके बाद सिलेक्ट पार्टीशन 1, ये आपका सिलेक्ट पार्टीशन 1 हो गया। फिर इसको एक्टिव करना है आपको, फिर आपको इसको एक्टिव करने के बाद फॉर्मेट मारना है दोस्तों। ये फॉर्मेट होने में दोस्तों कम से कम 5 या 10 मिनट का वक्त ज़रूर लेगा प्रॉपर प्रोसेस के लिए। ये आपका जो पेन ड्राइव है पूरी तरीके से फॉर्मेट करेगा, तभी जाके वो आपका पेन ड्राइव प्रॉपर तरीके से बूटेबल पेन ड्राइव बन पाएगा, चाहे वो विंडोज़ हो या किसी सॉफ्टवेयर्स की बनानी है आपको, पार्ट मतलब चलाने के लिए हेल्प होते हैं। भद्दे में चलेगा देखो।
यहाँ पर असाइन करना है। असाइन टाइप करके एंटर मारना है। ये पेज ओपन होते ही असाइन में आपको इसको साइड कर देना है, जो पेज असाइन करते हुए ओपन होगा ये पेन ड्राइव का। सेकंड थिंग, जो आपको कॉपी करनी है उस फाइल को ओपन करना है आपको। यहाँ पे चलते हैं और ये ड्राइवर्स ये रहा, इसको सिलेक्ट कर देना है और ड्रैग ड्रॉ कर सकते हैं इसको या कॉपी पेस्ट, इसको उठा के यहाँ पर ड्रैग ड्रॉ कर देते हैं। असाइन, तो यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इजीली असाइन जब आप करेंगे तो आपका पेन ड्राइव का यहाँ पर आपको इस तरीके से ये फोल्डर रिमूवल डिस्क का ओपन हो जाता है। और आपको सेकंड थिंग, जो पेज ओपन करके जो आपके सॉफ्टवेयर से विंडोज़ की फाइल्स हैं वहाँ पर आपको सबको कॉपी करके आपको यहाँ पर पेस्ट करना होता है, या आप इसको सिलेक्ट करके ड्रैग इजीली कर सकते हैं इस पर लाकर। कॉपी होने का यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्चुअली ड्रैग भी करते हैं तो यहाँ पर एक तरीके से कॉपी ही हो रहा है। और दोस्तों, ये प्रोसेस होने के बाद आपको सिंपली वहाँ पर कमांड में जाके एग्जिट कर लेना होता है। दोस्तों, आपको इसके बाद बहुत तेज़ी से आवाज़ ऐसी सुनाई देने वाली है। कर देना है आपको। एग्जिट होने के बाद आपको इसको भी एग्जिट कर देना है, एग्जिट कर देना है। फिर आपको ये सारी फाइल बंद क्लोज कर दीजिए, आप कर दीजिए, इसे भी क्लोज कर दीजिए। जैसे आप देखेंगे दोस्तों, हमारी पेन ड्राइव अभी ऐसी शो हो रही है और हमें एग्जिट करके एक बार सो देखना है कि ये हमारी बूट बन गई है कि नहीं। और ऐसे दोबारा गेंद लगाएंगे पेन ड्राइव को जिसमें हम बूट कर रहे थे। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने ये वाली पेन ड्राइव बूट हो चुकी है। तो देखिए आपने दोस्तों, कितने आसानी से आप ये बूट करना सीख गए हैं किसी भी सॉफ्टवेयर। और तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में हमारे YouTube चैनल टेक्निकल गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।